आज आसीपे बीजेपी चतुर्थ पर्याय प्रार्थी तालिका ओडिशा पश्चिमबंग आंध्रप्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश प्रार्थी ना घोषणा हो पारे। गतकाली दिल्ली में प्रधानमंत्री नेतृत्व में दलर केन्द्रीय निर्वाचन कमिटी बैठक तीन घंटा धरी चली सबु आसन प्रार्थी चयन उपर आलोचना होता सूचना मिली एखापाखि 150 जन लोकसभा प्रार्थी ना उपरे मोहर मार केन्द्रीय निर्वाचन कमिटी ओडिशा उभय लोकसभा और विधानसभा आसन प्रार्थी तालिका आसवर संभावना रही। बैठक पर राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहते ओडिशार समस्त 147 विधानसभा और 21 लोकसभा आसन प्रार्थी आलोचना सरी केवल सीईसी घोषणा को अपेक्षा रही। पूर्व तीन पर्यायर बीजेपी प्रार्थी तालिका घोषणा करत्वे ओडिशार ना आसी नथिला। पूर्वरु बीजेपी राज्य निर्वाचन कमिटी आशायी प्रार्थी को नहीं विचार विमर्श करने एक संभाव्य तालिका प्रस्तुत करी तालिका को धरी दिल्ली जाइछंती राज्य सभापति मनमोहन सामल। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह भूपेन्द्र यादव यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत दलर अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रही। सेंट्रल इलेक्शन कमिटी में ओडिशा के बारे में चर्चा हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन, स्ट्रेटेजी, अदर सिचुएशन सब चर्चा हुआ। फाइनली निम्न सेंट्रल इलेक्शन कमिटी करेगा, वो सब चर्चा हो गया, फिर निर्णय तो सेंट्रल इलेक्शन कमिटी करेगा। तब तक उम्मीद करें कि ये सेंट्रल इलेक्शन कमिटी का ऊपर निर्भर है।